हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैरी फिटनेस अड्डा। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं या मसल बिल्ड करना चाहते हैं। गाइस, उन लोगों के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ आज एक होममेड प्रोटीन। गाइस, ये जो प्रोटीन उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो लोग प्रोटीन परचेस नहीं कर पाते, जिनको घर से फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है या जिनके घर वाले परमिशन नहीं देते सप्लीमेंट वगैरह को यूज़ करने के लिए। तो गाइस, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर की रेगुलर चीज़ों से भी अपना होममेड प्रोटीन बना सकते हैं। और गाइस, ये प्रोटीन जो मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एकदम चीपेस्ट प्राइस में आपका रेडी हो जाएगा ये प्रोटीन, और ज़्यादा इसके अंदर कोई खर्चा नहीं है। तो गाइज़, बहुत ही नेचुरल चीज़ें हमने इसके अंदर यूज़ की है। तो गाइज़, वो मैं अभी आपको बताऊंगा उसके अंदर क्या क्या ऐड करना है और उसको कैसे बनाना है। तो गाइज़, चलिए गाइज़ स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो पहले, और उसके अंदर कितने माइक्रोज होंगे मैं आपको एंड में उसका बताऊंगा आपको भी कि एक टाइम में कितनी सर्विंग में आपको कितना प्रोटीन कार्ब्स वगैरह मिलेंगे उसके अंदर। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड में वो सब मैक्रोज मैं आपको बताने वाला हूँ। आ ले चक मैं आ गया, आ ले चक मैं आ गया, हो एक कृपा तेरी माँ दी, हो एक कृपा तेरी माँ दी, आ ले चक मैं आ गया, आ ले चक मैं आ गया। तो गाइस, आपने लेना पीनट्स यानी कि मूंगफली 500 ग्राम तक लेनी है आपने, चने 500 ग्राम, सोयाबीन 500 ग्राम और बादाम 500 ग्राम, मोटका दाल ये भी 500 ग्राम तक लेनी है आपने, चने का दाल और 500 ग्राम ओट्स। तो गाइस, आपने हर एक चीज़ 500 ग्राम तक लेनी है। आप चाहे तो आप 1 किलो तक यूज़ कर सकते हैं, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आपको लगेंगी। तो गाइस, एक चीज़ का हमेशा आपने ध्यान रखना है, जब आप इसको बनाएंगे तो आपने इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हीट करना है। आप किसी फ्राई पैन में लेके थोड़ा सा इनको हीट करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इन सभी आइटम्स को आपने 4 से 5 मिनट तक हीट करना है अच्छी तरह से। तो चनों को भी आपने इस तरह से हीट कर लेना है 3 से 4 मिनट तक। सभी आइटम्स को आप ऐसे ही कर लीजिए। तो गाइस, इस तरह से आपने सभी चीज़ों को इस तरह से हीट कर लेना है। अब इनको थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे 4-5 मिनट तक, और उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे सभी को मिक्सर में। तो गाइस, फाइनली हमारा होममेड प्रोटीन रेडी है। तो इसके अंदर मैक्रो की बात करूं तो गाइस, एक टाइम में आप अगर 74 ग्राम तक प्रोटीन लेते हैं तो गाइस उसके अंदर कैलोरी रहेगी 240 तक, फाइबर रहेंगे 10 ग्राम तक, कार्बोहाइड्रेट रहेगी 30 ग्राम तक, प्रोटीन रहेगा 20 ग्राम तक और फैट रहेगी गाइस 9 ग्राम तक। तो गाइस, ये कुछ न्यूट्रिशन फैक्ट है इस प्रोटीन के, होममेड प्रोटीन के। तो गाइस, ये बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अगर आप प्रोटीन वगैरह नहीं ले सकते तो आप इसकी 2 से 3 टाइम पिक सर्विंग ले सकते हैं, वेट गेन कर सकते हैं, मसल बिल्ड कर सकते हैं। यार, ये
होममेड प्रोटीन है जिसके अंदर हमने नेचुरल चीज़ें यूज़ की है, कोई आर्टिफिशियल ऐड नहीं किया। तो आप जरूर इसको ट्राई कीजिए गाइज, आपको 100% इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही सस्ता है गाइज, कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर से लाने के लिए, सब चीज़ें हमारे घरों में ऑलरेडी रेगुलर रहती है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और गाइज और एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना यार मेरे चैनल को, ताजो मैं आपको अगली बार भी कुछ इससे अच्छी वीडियो बना के आपको अच्छी सी अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवा सकूँ। तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।